हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइंडट्री के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, और उस खबर आने से पहले इस शेयर के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है वो इसके चार्ट बताएगा। लेकिन उससे पहले कोई मार्केट के अंदर बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, यानी कि खबर पक्की है या नहीं पक्की है उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे फर्दर कि माइंडट्री लिमिटेड और L&T के अंदर मर्जर होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस खबर पर मोहर लगी है या नहीं लगी है, या फिर एक बहुत बड़ा गेम चलता हुआ टेबल के नीचे, जहां पर आप देखेंगे अभी शेयर के अंदर अगर एक साल का मैं चार्ट लगाता हूं तो इस शेयर में आपको लगभग 76% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो दो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मर्जर होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ये या नहीं होगा तो फिर ये शेयर गिर क्यों रहा है, ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, और होगा तो यानी कि भागना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके गिरने का ऐसा कोई बड़ा रीज़न है ही नहीं, यानी कि गिरेगा क्यों, क्योंकि ना तो कंपनी को लॉस हो रहा है, जबकि मर्जर होना है, मर्जर होने से क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले कोई इसके शेयर को गिराकर आपसे माल छीना जा रहा है, जी हाँ जी, आपसे माल छीना जा रहा है। आज भी देखिएगा इस शेयर के अंदर लगभग 8.5 और 9% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। पिछले 5 दिन के अंदर 15% तक ये शेयर गिरा है, और ये शेयर इसलिए गिरा है कि मर्जर होने वाला है या नहीं होने वाला है वो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन खबर को किस तरह से हम कंफर्मेशन दें उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी कंफर्मेशन आएगी और मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको ये समझ आएगा कि जो ये 15% की गिरावट है ना, वो बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है और आपसे माल छीना जा रहा है। तो उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक है। और यहाँ पर 6 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 24% डाउन है, लेकिन हम बात करेंगे 1 महीने की, और 1 महीने से भी कम टाइम की, यानी कि 4, 5, 6, 1 हफ्ते या 2 हफ्तों की। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे 15% ये शेयर आराम से डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इस शेयर के अंदर देखने की कोशिश करें तो अभी शेयर के अंदर गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। तो उन दोनों तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैं पहले सबसे पहले जो खबर है ना उसकी तरफ लेके चलता हूँ, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे कि शेयर के अंदर हो क्या रहा है। भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कोई कमी है या नहीं कमी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर कहीं पर भी आपको रेड मार्क नज़र नहीं आ रहा है। ये क्वार्टर वन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी ऊपर। ये क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं हम, यहाँ भी ऊपर। और ये क्वार्टर थ्री की बात कर रहे हैं, यहाँ भी ऊपर। और ये क्वार्टर फोर की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी ऊपर। यानी कि शेयर पूरे साल एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ आपको इस टेबल पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो शेयर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रही है ना वो भी भागते हुए आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये शेयर नहीं भागता हुआ नज़र आ रहा। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है इस शेयर के नीचे और टेबल के नीचे। तो वो समझने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट इतने बढ़िया हैं और उसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर जो न चलने की जो कीमत है वो कौन चुकाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम चीज़ को सबसे पहले खबर के ऊपर ले चलता हूँ, मैं ज़्यादा डिले नहीं करता ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ शेयर के नीचे दम है या शेयर में दम है। जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस खबर के अंदर अगर आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आएगी कि दो बड़ी IT कंपनियों का मर्जर, L&T इंफोटेक और माइंडट्री का होगा विलय, बनेंगी $22 अरब की नई कंपनी। जी हाँ जी, L&T इंफोटेक और माइंडट्री लिमिटेड दोनों कंपनियों के बोर्ड अगले हफ्ते मर्जर के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन चल रही है। और इस चलती हुई कम्युनिकेशन के नीचे ये शेयर नीचे की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पॉइंट नोटेड है, जी हाँ जी, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि क्यों नीचे गिर रहा है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी दो पॉइंट आते हुए नज़र आ रहे हैं, दो बड़ी कंपनियाँ। पहला पॉइंट इन दोनों का नाम है, 22 अरब की कंपनी बन जाएंगी, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि दोनों अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते तीसरा पॉइंट बन गया कि मर्जर पर विचार कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, मर्जर पर विचार कर सकते हैं से पहले एक पॉइंट जो बन रहा है ना, इतनी खबर आते तो जो शेयर है ना वो तूफान बन जाता है, और ये शेयर तूफान नहीं बन रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। अब हम बात करेंगे फर्दर, इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड अपनी दो सॉफ्टवेयर कंपनियों को मर्ज करने
पर विचार कर रही है। इनमें माइंडट्री लिमिटेड वो भी एलएनटी की है, और पहले समझ लीजिएगा दोनों कंपनी लार्सन टर्बो की ही हैं, यानी कि इनमें माइंडट्री लिमिटेड और एलएनटी इंफोटेक लिमिटेड, एलएनटी इंफोटेक लिमिटेड शामिल है, यानी कि दोनों ही एलएनटी की है और दोनों ही आपस में मर्ज हो जाएंगी। न्यूज़ एजेंसी जैसे कि आप जानते हैं कि उसको अभी मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, तो ठीक उसी तरह से ये दोनों की दोनों कंपनियां माइंडट्री एलएनटी की ही हैं, अलग अलग नाम है और मर्जर होने वाली है। तो गिरावट का और गिरावट से लेन देन का कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं। कंपनी का मानना है कि मर्जर से नई कंपनी का साइज़ पहले से बहुत बड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली होएगा, इससे उसे दुनिया भर की दिग्गज आईटी कंपनियों से मुकाबला करने में आसानी होगी, बिल्कुल होगी। ये चार पॉइंट तो यहीं पर ही बन गए सर। माइंडट्री लिमिटेड और एलएनटी इंफोटेक लिमिटेड दोनों मुंबई मुख्यालय वाली इंजीनियरिंग फर्म एलएनटी के कंट्रोल वाली सॉफ्टवेयर आईटी फर्म हैं। एक सूत्र ने बताया कि अगले हफ्ते दोनों कंपनियों के बोर्ड मर्जर के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि दोनों की दोनों, जैसा कि यहाँ पर इनमें माइंडट्री और लिमिटेड और किस तरह से भागती हुई नज़र आएंगी, ये आगे वाले टाइम में देख सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, खबर पर कन्फर्मेशन लगती हुई नज़र आ रही है, फिर शेयर क्यों गिर रहा है। क्वेश्चन लास्ट में एक ही चीज़ आ जाता है कि जब सब कुछ कन्फर्मेशन के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये खबर छप गई है, मैं तो वही कहता हूँ कि खबर नहीं भी छपती है, वैसे हवा में उड़ जाती है तो भी शेयर इतना भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ है ऐसा जिसको लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा मैं पॉइंट कहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़, 2019 में माइंडट्री का अधिग्रहण किया था एलएनटी ने। ब्लूमबर्ग के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक माइंडट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.3 अरब डॉलर है और एलएनटी इसमें 61% हिस्सेदारी है। वहीं एलएनटी इंफोटेक का मार्केट कैप 13.6 अरब डॉलर का है, इसमें एलएनटी की करीब 74% हिस्सेदारी है। तो समझिएगा जी कितनी बड़ी गेम चलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह दोनों के मर्जर होने पर आपको कंपनी 22 अरब डॉलर की हो जाएगी और एवरेजन जो परसेंटेज एलएनटी का होगा उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 61 और 74 के बीच में जो भी नंबर आ रहा हो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 22 अरब डॉलर में से। तो इस हिसाब से कंपनी का मर्जर होने वाला है, ये खबर की यहाँ पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। अगले हफ्ते अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, फिर भी शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट में एक ही क्वेश्चन बचता है जी, और उस क्वेश्चन पर विचार करते हुए एक बार मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने किया है वो अंडर द टेबल उसकी कम्युनिकेशन क्या चलती हुई नज़र आ रही है।